एक आसन विशेष में बैठ करके, सिद्धासन, सुखासन या पद्मासन, ये ध्यान के लिए, योगाभ्यास के लिए, प्राणायाम के लिए उपयुक्त आसन है। बाएं पैर नीचे, दाहिना उसके ऊपर रख देते हैं, इसे एड़ी पर एड़ी, टखने पर टखना, पंजा एक दूसरी पिंडली और जंघा के बीच में, ये सिद्धासन होता है। इसे ऐसे तो सभी बैठ सकते हैं, जो सिद्धासन में न बैठ पाए वो सुखासन में बैठ जाए, जिनका शरीर अस्वस्थ है वो पद्मासन में बैठ करके भी योगाभ्यास, प्राणायाम, ध्यान कर सकते हैं। ये प्राण औषध है रोगियों के लिए, ये प्राण ब्रह्म है योगियों के लिए, ये प्राण विद्या है विद्यार्थियों के लिए, ज्ञान है उनके लिए, इससे ज्ञान बढ़ेगा, बल बढ़ेगा युवाओं का, उनके लिए बल है प्राण। सामान्य मध्यम यात्रे प्रकृति से सामान्य रूप से श्वासों का विज्ञान ही है। जो प्राणायाम नहीं करते उनके एक मिनट में 16 श्वास चलते हैं। ये सर्वगत सत्य है, 15-16 श्वास चलते हैं। मैंने लेबोरेटरी में बैठ करके घंटों तक अपना परीक्षण किया है और अपनी अनुभूति कह रहा हूं। योगी के सामान्य रूप से जो भी विचार करता है, काम करता है, उठता बैठता है, खाता पीता है, चलता फिरता है, तो उसके 8 श्वास चलते हैं, 7 से 8, ये एवरेज ब्रेथ रेट है। नॉर्मल व्यक्ति के 14 से 16 है, योगी के 7 से 8। फिर जैसे ही हम ध्यान करते हैं तो एक मिनट में 4 श्वास हो जाते हैं, और जब गहरे ध्यान में जाते हैं तब 2 और कभी कभी 1। तो आयु बढ़ेगी जितने श्वासों में स्थिरता आएगी। अब इसका एक गहरा विज्ञान है, एक तो यह है कि सती मूले तद विपाक है, जाति आयुर्भोग है, पर भगवान ने निर्धारित किया हुआ अपने प्रारब्ध और पुरुषार्थ के अनुरूप ही आयु का निर्धारण पहले हुआ हुआ है, और इस जन्म में भी फिर शुरू हो जाता है। प्रारब्ध और पुरुषार्थ ही निर्धारण करता है हमारी आयु का। तो जब हम प्राणायाम करते हैं ऐसे तो श्वासों में स्थिरता आती है, फिर एक रोकने वाला प्राणायाम वैसे ही रोक लिया। प्राणायाम भस्त्री का, चाहे भस्त्री का और कपालभाति करते समय हमको ऐसा लगता है तेजी से हो रहा है, तो ये तो श्वास जल्दी जल्दी चल रहे, तेजी से आगे घटेगी नहीं। 5-10 मिनट जब भस्त्री का कपाल भाती आदि करते हैं उस समय चाहे गति तीव्र हो रही हो, लेकिन फिर 24 घंटे का जो एवरेज निकालेंगे उसमें तो सामान्य व्यक्ति की अपेक्षा योगी के जो श्वासों का क्रम है वो औसतन आधे से कम होगा, तो दुगनी वैसे होगी योगी की आयु। और जो श्वास भर करके 1 से 2 मिनट तक का अभ्यंतर प्राणायाम कर लेते हैं, ब्रेथ को होल्ड कर लेते हैं, Thank you.
मेरे तो ऐसा 2.5 मिनट तक रोकने का अभ्यास है, लेकिन आप सब कम से कम आधा मिनट से प्रारंभ करके धीरे धीरे 0.25 मिनट, फिर 1 मिनट, फिर 2 मिनट से अधिक मत करना। उससे 1 मिनट भी पर्याप्त है। जो 1 मिनट में कर लेंगे वो शतायु होंगे, दीर्घायु होंगे। हम तो प्रार्थना भी यही करते हैं, ओम तत्चक्षुर देवहितं पुनस्ता चक्रमुच्चर पश्येम शरदः सततम्, जीवेम शरदः सततम्, श्रूयाम शरदः सततम्, ब्रह्मवाम शरदः सततम्, अधीराः स्याम शरदः सततम्, भूयश्च शरदः सततम्। ये वस्त्री का और कपालभाति, लय के साथ करना एक अनुष्ठान की तरह। और आयु कैसे बढ़ती है इसका एक सामान्य क्रम बताते हैं। शरीर के 3 प्रकार के सेल्स को छोड़ करके बाकी सेल्स रूपांतरित होते हैं, वो टर्नओवर होते रहते हैं। पुराने सेल्स खत्म होते रहते हैं, नए सेल्स बनते रहते हैं। ब्रेन के सेल्स 14 साल तक बनते हैं, उसके बाद उनका जो मल्टीप्लिकेशन बंद हो जाता है, मल्टीपल होते रहते हैं, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16 सेल्स जो बनते रहते हैं वो बंद हो जाते हैं। ब्रेन सेल्स 14 साल के बाद नहीं बनते। आंखों के लेंस के सेल ये नहीं बनते। आंखों का गोलक है, आई बोल है, इसके सेल्स बनते रहेंगे। वो सब पूरा 24 घंटे से लेकर के और फैट सेल्स की जो आयु है वो 8 साल तक की है। बाकी अलग अलग सेल्स का एक अलग अलग टर्न ओवर टाइम है, उसमें रूपांतरित होते रहते हैं। स्किन सेल्स, मसल्स के सेल्स, बोन के सेल्स, बोन मैरो के सेल्स, सबके अलग अलग एजिंग प्रोसेस है, उसको हम क्रमशः बताएंगे आपको। कपाल भाती करते रहे। 3 सेल्स मैंने कहा वो बदलते नहीं है, एक ब्रेन सेल्स, दूसरा लेंस के सेल और तीसरा ओसाइड्स, माता बहनों के जो ओवम से पहले की जो स्थिति होती है सेल्स की, फिर वो मेंस्ट्रुएशन के बाद एक एक ओवम के रूप में रूपांतरित होते रहते हैं। तो ओसाइट्स सेल्स, लेंस सेल्स और ब्रेन सेल्स, इनको छोड़ करके सेंट्रल नर्वस सिस्टम के सेल्स, उसको छोड़ करके बाकी सेल्स रूपांतरित होते रहते हैं। कपाल भाती बाह्य प्राणायाम, उज्जायी अनुलोम विलोम भ्रामरी प्राणायाम करते हैं, अभ्यंतर प्राणायाम करते हैं, नाड़ी शुद्धि प्राणायाम करते हैं। इससे ये जो पूरा जो नेचुरल साइकिल है शरीर का, ये नेचुरल साइकिल बहुत अच्छा हो जाता है। पूरी बॉडी ऑर्डर में रहती है, एक ऑटो सिस्टम है बॉडी का, उसी को ऑटो इम्यून सिस्टम भी बोलते हैं। वो ठीक से चलता रहे, एक भगवान का विधान है, या उसको प्राकृतिक भाषा में बोले तो प्रकृति का विधान है,
एक सृष्टि क्रम है, उसकी व्यक्ति ने अवहेलना की। आहार के स्तर पर, आहार विचार वाणी व्यवहार स्वभाव के स्तर पर व्यक्ति ने उसको तोड़ा। प्रकृति को जैसे ही उसने छोड़ा, लताड़ा, प्रकृति के साथ उसने छेड़छाड़ की, तो प्रकृति के भीतर विकृतियां पैदा की। सृष्टि को अपने स्वरूप में लाने के लिए प्रकृति भी अपनी चेष्टाएं करती रहती है। जो हमारे आमाशय की सेल्स हैं, ये 5 से 9 दिन में टर्नओवर होते रहते हैं। इनका टर्नओवर टाइम, देखिए मेडिकल टर्मिनोलॉजी अभी थोड़ा थोड़ा बता रहा है, 5 से 9 दिन में आमाशय के सेल्स नए बनते रहते हैं, और ये 9 महीने में पूरा साइकिल ठीक हो जाता है। इसलिए मैं कहता हूं पहले ही दिन से तुम्हारे भीतर योग से रूपांतरण होता है। प्रथम दिन से रूपांतरण होगा। 9 दिन में काफी, 7 से 9 दिन में काफी बड़ा रूपांतरण हो जाता है। 9 माह में पूरा रूपांतरण, पूर्ण रूपांतरण, देखिए कितनी बड़ी बात है। ब्लड के जो सेल्स है WBC 24 घंटे में प्लेटलेट्स 7 से 10 दिन में, और जो WBC प्लेटलेट्स के साथ साथ जो RBC रेड ब्लड सेल्स है वो 100 से 120 दिन में चेंज होते हैं, उनका टर्नओवर टाइम। तो योग करेंगे तो ये टर्नओवर टाइम व्यवस्थित रहेगा, नेचुरल साइकिल बरकरार रहेगा और हम युवा रहेंगे। यदि नए सेल्स ना बने, पुराने सेल्स ठीक से नष्ट ना हो, तो फिर साइकिल गड़बड़ होता, टूटता है। इसके लिए उपवास और उपासना की विधि है। उपवास करने से आजकल रिसर्च से पता लगा, एक ऑटोफैगी सिस्टम होता है कि जो पुराने सेल्स बीमार हैं और मर नहीं रहे हैं, जो है उसका जो नेचुरल साइकिल है, वेस्ट मैनेजमेंट उसको हम बोले, वेस्ट मैनेजमेंट ठीक से नहीं चल रहा है, कचरा इकट्ठा हो रहा है अंदर, बीमार कमजोर कमजोर सेल शरीर में इकट्ठे हो गए। तो जब उपवास करते हैं तो बॉडी से ऐसे एंजाइम्स निकलते हैं, बॉडी का जो एनर्जी का लेवल है वो इस तरह से इन्हेंस होता है कि जो हेल्दी सेल्स हैं वो जो अनहेल्दी सेल्स जो मर नहीं रहे, रिप्रोसेस नहीं हो रहा, जिनका रिप्रोसेस नहीं हो रहा, उनको मार देते हैं, हेल्दी सेल्स उसकी जगह आ जाते हैं। इसको बोलते हैं ऑटोफैगी सिस्टम। तो ये उपवास से और उपासना से ऑटोफैगी सिस्टम अच्छा होता है। इसलिए कहते हैं, अब मॉडर्न मेडिकल साइंस में भी मानने लगे हैं कि 15 दिन में एक बार उपवास करना चाहिए, सुबह से शाम तक पानी पूरा पीना चाहिए, हाइड्रेशन से उसको बोलते हैं कि पानी पूरा होना चाहिए पूरे शरीर में, उसकी पानी की उपलब्धता, हाइड्रेशन पूरा होना चाहिए। तो फिर जो है ये पूरा साइकिल इतना अच्छा हो जाता है। इसके ऊपर ये भी रिसर्च आए हैं कि ऐसे लोगों को फिर कैंसर का खतरा और बुढ़ापे का खतरा दोनों ही टल जाते हैं, उनकी जो है बायोलॉजिकल जो एज होती है कहते हैं वो आधी दिखती है जितनी आयु की होती है, तो चेंज हो गया पूरा। फैट सेल्स का जो टर्नओवर टाइम है वो 8 साल का है, और
छोटियाँ 3 से 4 दिन में, और जो हड्डियों का भी जो पूरा स्ट्रक्चर है, ऑस्टियोब्लास्ट सेल्स, ऑस्टियोक्लास्ट सेल्स का, ऑस्टियोब्लास्ट सेल्स हड्डियों के सेल्स 2 से 6 माह में, करीब साल भर में 10% पूरा चेंज हो जाता है, नया आता रहता है। अंदर का बोन मास भी, और जो हमारा स्केलेटन वो भी, स्केलेटन भी पूरा चेंज होता रहता है। माने हड्डी ऊपर जो कठोर हड्डी है वो भी, हम सोचते हैं कि ये तो शायद जिंदगी भर वही रहती होगी, ये भी 10% पूरी चेंज हो जाती है। 10 साल में एक तरह से पूरा का पूरा चेंज हो गया, आपका पूरा ढांचा ही स्केलेटन में, जो पूरा कंकाल, पूरा कंकाल जो है वो भी, शरीर का पूरा कंकाल 10% साल भर में ऊपर का और अंदर का तो पूरा ही चेंज होता रहता है। नए सेल्स बनने वाली जो प्रक्रिया है वो 3 माह में, और जो पुराने सेल्स हड्डियों के हो जाते हैं फिर वो शरीर टिकने नहीं देता उनको, फिर जो कैल्शियम होता है वो कैल्शियम, जो फास्फोरस होता है फास्फोरस अलग अलग सेल्स का, किसी ज़्यादातर सेल्स फिर हड्डियों के अलावा प्रोटीन से बने होते हैं, तो प्रोटीन फिर प्रोटीन में रिप्रोसेस होता रहता है, और फिर कुछ चीज़ें एक्सिस होती हैं तो फिर किडनी के द्वारा वाश आउट हो जाती है, ब्लड में जाते हैं सारे सेल्स, और ब्लड से फिर लीवर से, लीवर से फिर किडनी में, किडनी से फ्लैश आउट हो जाते हैं, बाहर निकल जाते हैं। पुराने सेल्स ऑस्टियोब्लास्ट सेल्स जो नई सेल्स बनते हैं हड्डियों के, वो 3 माह में, जो ऑस्टियोक्लास्ट सेल्स होते हैं वो 15 दिन में चेंज होते रहते हैं, टर्नओवर टाइम। जो टर्नओवर टाइम है ये बड़ा महत्वपूर्ण, ये टर्मिनोलॉजी है, टर्नओवर टाइम एक एक सेल का वो हम आपको बता रहे हैं। इसी से फिर हड्डियों का मेटाबॉलिज्म, बॉडी का मेटाबॉलिज्म, स्किन का मेटाबॉलिज्म चलता है। स्किन सेल्स 15 से 30 दिन में, इसलिए कहते हैं ना कि 1 महीना योगा अभ्यास कर लो तो पूरा सब चेंज हो जाएगा, आपकी चेहरे पर रौनक आ जाएगी, चमड़ी में पूरे रौनक आ जाएगी, पूरी स्किन आपकी युवा हो जाएगी। 15 दिन के अंदर स्किन सेल्स जो चमड़ी के ऊपर वाले सेल्स होते हैं उनको स्किन एपिडर्मिस बोलते हैं, मसल्स के सेल्स 1 से 2 माह में, मसल सेल्स 15 से 30 दिन में, अंदर के मसल्स 1 से 2 माह में, हड्डियां जो है अंदर की पूरा टोटलिटी में वो तो 10% हमेशा ही चेंज होता रहता है, हड्डियों का बोन मास जो है वो 3 माह में, हम यदि उसको एवरेज आउट करें तो 30 दिन में स्किन सेल्स, इसके नीचे मसल्स वो 2 माह में, फिर 1 महीना और बढ़ गया, फिर 3 माह में बोन मास चेंज होता रहता है। उसमें भी फिर 2 हैं, डिटेल में जाते हैं तो ऑस्टियोब्लास्ट सेल्स जो हड्डियों के नए सेल्स बनाते हैं, पुराने सेल्स के खत्म होने की जो प्रोसेस है शरीर अपने आप उसको करता है, ये ऑटोमेन सिस्टम है, वो 15 दिन में ये साइकिल चल रहा है। फैट सेल्स इसलिए कहते हैं ये मोटापा मत बढ़ने दो, इसका जो ऑटोमेटिक जो इसका टर्नओवर टाइम है वो बड़ा खतरनाक है, वो 8 वर्ष का है फैट सेल्स का टर्नओवर टाइम, इसलिए मोटापा मत बढ़ने दीजिए, और सारी चीजों को संवारना है। तो मैंने कहा रस, रक्त,
मांस रस तो जो भी खाते हैं उसका 4 से 8 घंटे में रस बन जाता है। कोई बहुत गरिष्ठ भी खाया है तो 24 घंटे में तो निकलना ही पड़ेगा उसको। अलग अलग आहार का जो पाचन का समय है 4 से लेकर के 24 घंटे का है। 4 घंटे से लेकर के 24 घंटे में आहार का पूरा पाचन हो जाएगा और फिर वो खाना पैखाने से फिर निकल जाता है, छोटी आंत फिर बड़ी आंत से होता हुआ नीचे फ्लश आउट हो जाता है। रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, शुक्र का भी 2 महीने का है, दोनों में 2 माह उसका टर्नओवर टाइम है। इसलिए अलग अलग संदर्भों में अलग अलग बातों की महिमा कही जाती है। इस शरीर की महिमा ऐसी है, ये तो सबको जाननी चाहिए। नॉर्मल जो फिजियोलॉजी है, जो टर्मिनोलॉजी है, जो बायोकेमिस्ट्री है, इसका बोध तो सबको होना चाहिए। बाकी मेडिकल साइंस की पढ़ाई अलग होती है, शरीर विज्ञान पूरा, चिकित्सा शास्त्र अलग है। लेकिन चिकित्सा शास्त्र के जानने वालों के साथ साथ सबको भी ये जानना चाहिए कि कैसे शरीर काम करता है। जो हमारे हार्ट की सेल्स हैं, हार्ट के जो मसल्स हैं, इनको कार्डियोमायोसाइट बोलते हैं। ये भी 1 से 2% और किसी किसी के अपवाद रूप में 10% भी चेंज होते रहते हैं। तो सब कुछ नया हो रहा है, नया हो रहा है। बाल हमारे 1 माह में 1 सेंटीमीटर बढ़ते हैं एवरेज आउट, किसी के 1.5-2 भी बढ़ते हैं, किसी के हाफ भी बढ़ते हैं, तो पूरे वर्ल्ड का एवरेज आउट करते हैं तो 1 सेंटीमीटर बाल बढ़ते हैं। नाखून 0.3 सेंटीमीटर बढ़ते हैं और 0.3 सेंटीमीटर की रफ्तार से ही नॉर्थ अमेरिका और यूरोप एक दूसरे से दूर हो रहे हैं। जो जो टेक्टोनिक प्लेट्स की दूरी की जो बात होती है उससे फिर भूकंप, ज्वालामुखी आदि फटना और ये सब अलग अलग प्रकार की प्रक्रियाएं घटित होती रहती है वातावरण में। तो ये बायोलॉजी के साथ थोड़ा जियोलॉजी को भी जोड़ा है कि पिंड में और ब्रह्मांड में एक ही तरह की घटनाएं घट रही है, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांड। इस पूरी साइकिल को मेंटेन करने के लिए ये प्राणायाम है, ध्यान है, उपवास है, उपवास उपासना। जो योगाभ्यास करते हैं, प्राणायाम ध्यान पूर्वक करते हैं, प्राणायाम और ध्यान साथ साथ करें, ओम ओम का ध्यान करें, इसके द्वारा हमारे ऋषियों ने, योगियों ने, शास्त्रों में गुरु गोरखनाथ जी से लेकर के हमारे संत कबीर जी से लेकर के और अलग अलग तंत्र ग्रंथों में, अलग अलग मंत्रों में अलग अलग प्रकार की अनुभूतियों को कहा है। रोग, जरा, व्याधि सब कटते हैं, मिटते हैं। कपाल भाती अनुलोम विलोम करते हैं, चलो एक भजन सुनाते हैं आपको। तो भजन से, कीर्तन से, भगवान की भक्ति से भी वो हमें दिव्य शक्ति मिलती है, जिससे आयुष्य बढ़ता है। भगवान का भजन तो मन का सबसे बड़ा रसायन है। अनुलोम विलोम प्राणायाम रस ब्रह्म हुआ में अजर अजर है। जो कबीर साहब ने कहा है वो खुद अनुभव करते हैं, योग करते करते। और कबीर जी ज्ञान योगी भी थे, बड़े ज्ञानी थे, बड़े विवेकी थे। लोक भाषा में युग धर्म के अनुरूप उन्होंने अपनी अभिव्यक्तियां दी। अब कोई अविवेकी ना जाने ना पहचाने तो फिर तो
भगवान ही के अनुग्रह से कभी न कभी उनको भी बोध होगा ही होगा। अनुलोम विलोम प्राणायाम करते रहिए और अनुलोम विलोम प्राणायाम करते करते भगवान की भक्ति में, भगवान के आश्रय में, भगवान की उपासना से, भगवान नाम की औषध, भगवान नाम के रसायन से एंटी एजिंग प्रोसेस अपने आप होगा। इसलिए जो योगी होते हैं, ध्यान करते हैं, प्राणायाम करते हैं, मैंने कहा उनका देह भी बड़ा सुंदर होता है, उनका तन, उनका मन, उनका चित्त, उनकी चेतना, उनका आहार विचार वाणी व्यवहार स्वभाव आचरण बड़ा पवित्र होता है, दिव्य जीवन की प्राप्ति होती है, सब विकारों की समाप्ति तो होती है और वो फिर सबके आकर्षण का केंद्र बनते हैं। और युगों युगों से ऐसा होता है, देश में ही नहीं पूरी दुनिया में। आओ अनुलोम विलोम करते करते योग के अभ्यास से मन का उपवास और उपासना, ये सबसे बड़ी रसायन है, सबसे बड़े एंटी एजिंग एलिमेंट्स है। बाकी औषधियों के संदर्भ में भी बताएंगे। अनुलोम विलोम करते रस गगन गुफा में अजर झर, रस गगन गुफा में अजर झर, बिन बाजा झनकार उठे जहां, बिन बाजा झनकार उठे जहां, समझी पड़े जग ध्यान धरे, रस गगन गुफा में अजर झरे, रस गगन गुफा में अजर झरे। ये भीतर का रस रसायन है, रसोई सर सबसे बड़ा रसायन तो भगवान है। अनुलोम विलोम प्राणायाम करते करते अंदर से ऐसे सिक्रेशंस होते हैं, ऐसे केमिकल्स, ऐसे सोर्स, ऐसे हार्मोन्स निकलते हैं जो हमें सदा युवा रखते हैं, रोगों से बचाते हैं, बुढ़ापे से बचाते हैं, यौवन देते हैं, शक्ति देते हैं, अतीन्द्रिय शक्ति मिलती है, दिव्य शक्ति। बिना ताल जाऊं कमल फुलाने, ते ही चढ़ी हंसा केली करे, बिना ताल जाऊं कमल फुलाने, ते ही चढ़ी हंसा केली करे, बिन चंदा उजियारी दरस, बिन चंदा उजियारी दरस, जहां जहां हंसा नजर पड़े, गगन गुफा में अजर झरे, रस गगन गुफा में अजर झरे। दसवे द्वारे ठाड़ी लागी, अलख पुरुष को ध्यान धरे, ओ दसवे द्वारे ताली लागी, अलख पुरुष को ध्यान धरे, कराल निकट नहीं आवे, काल कराल निकट नहीं आवे, काम क्रोध मद लोभ जरे, रस गगन गुफा में अजर झरे, रस गगन गुफा में
अजर झर। जुगन जुगन की तृषा बुझाई, करम भरम अघ व्याधि तरे। ओ जुगन जुगन की तृषा बुझाई, करम भरम अघ व्याधि तरे। कहे कबीर सुनो भाई साधो, कहे कबीर सुनो भाई साधो, अमर हो ये कब हूँ न मरे। रस गगन गुहा में अजर झरे, रस गगन गुहा में अजर झरे। बिन बाजा झनकार उठे जहाँ, समझी पड़े जब ध्यान धरे। बिन बाजा झनकार उठे जहाँ, समझी पड़े जब ध्यान धरे। रस गगन गुफा में अजर झरे, रस गगन गुफा में अजर झरे, रस गगन गुफा में अजर झरे, रस गगन गुफा में अजर झरे। हाँ गगन गुफा में अजर झरे। अमर होए कब हो न मर, ये अमरत्व का मार्ग है। तो प्राणायाम ध्यान ये सबसे बड़े एंटी एजिंग एलिमेंट्स हैं। भस्त्रिका कपालभाति बाह्य प्राणायाम, उज्जायी उसके साथ अभ्यंतर, फिर अनुलोम विलोम भ्रामरी और ओंकार और गायत्री का ध्यान, साथ में सात्विक आहार, घी और दूध को, क्षीर घृत अभ्यासो रसायन, खीर क्षीर बोलते हैं, निरक्षीर विवेकी बोलते हैं, दूध का दूध पानी का पानी, ऐसा शब्द का प्रयोग आता है, निरक्षीर विवेकी, क्षीर दूध को कहा जाता है। क्षीर घृताभ्यास, घृतम वही आयु आयुर्वेदिक घृतम, इसलिए हमारे बड़े बुजुर्ग सब घी खाया करते थे। आजकल घी खाना लोगों ने बंद कर दिया। तेलों में तिलों का तेल, फिर नेचुरल सरसों का तेल, या जितना आवश्यक हो। तेल को हमारे यहाँ दूसरे दर्जे का माना गया है, घी को प्रथम कोटि का माना गया है। घृत एक से दो चम्मच सबको खाना चाहिए, और उसकी सबसे लंबी आयु भी 8 वर्ष में उसका टर्नओवर टाइम है। फैट लैक्टियल से आंतों का ही पार्ट होता है, लैक्टियल से अब्जॉर्ब होकर के शरीर में जाता है, और उसका आयुष्य है 8 वर्ष। माने शरीर की जितने भी हड्डियों से लेकर के हार्ट से लेकर के बाकी सब जितने भी सेल्स हैं, 24 घंटे से लेकर के और 2-3 माह में सब पूरे हो जाते हैं। 1-2 महीने से लेकर के 2-3 माह में सब पूरे हो जाते हैं।
घी और दूध उचित मात्रा में लें। और कोई विडंग, पलाश, बीज, आंवला, घृत और मधु, इन पांच चीजों को कहा है कि पीतम मासी नजराम जयती महाबुद्धि जननम च। एक मास तक इनका ठीक से सेवन कर ले तो कहते हैं कि वो बुढ़ापे को जीत लेते हैं, बुद्धि और आयु को बढ़ा लेते हैं। रसायनेषु अमलकम सदा सर्वेषु रोगेषु। शिलाफयम, शिलाजीत और आंवला, ये सबसे बड़े रसायन का है हमारे। अष्टवर्ग हमारे यहाँ रिद्धि वृद्धि जीवक ऋष्वक मेधा महामेधा काकोली क्षीर काकोली, ये जो आठ औषधियां हैं ये सबसे बड़े रसायन है, एंटी एजिंग। चाइना को एक जिनसिंग मिला है, चाइना अपने उस जिनसिंग का इतना महिमा मंडन करता है, रिसर्च पेपर के नाम पर कई रिसर्च पेपर पब्लिश करवा दिए और सारी दुनिया को कहा कि देखो आपको आयु को रोकना है, गति को, उसकी स्पीड को, एंटी एजिंग प्रोसेस अडोप्ट करना है, तो बोले जिंक संख्या, अरे उससे अच्छे तो हमारी अष्टवर्ग, उससे अच्छी हमारी अश्वगंधा है, करीब उसी जैसा आकार है प्रकृति में, ये तो प्रकृति की रचना है। ऐसे कोई हम नहीं कह रहे कि कोई चीन का उसके ऊपर अधिकार, लेकिन उस देश में ज़्यादा पाई जाती है, हमारे यहाँ अश्वगंधा ज़्यादा होती है, जिनसिंग से भी ज़्यादा गुण है उसके। अश्वगंधा, शतावर, सफेद मुसली, गिलोय जिसको हमारे अमृता कहा जाता है, नहीं मरता उसका सेवन करने वाला किसी रोग किसी व्याधि से और बुढ़ापा नहीं आता। अश्वगंधा, शतावर, सफेद मुसली, अमृता, आंवला, हरितकी, ये सबसे बड़े एंटी एजिंग का है। और शिलाजीत, ये सात द्रव्य हमारे यहाँ पर, हमारे यहाँ सात की बड़ी महिमा कही जाती है, सप्ताह के सात दिन होते हैं, सप्तऋषि होते हैं, सप्त लोग होते हैं, तो अश्वगंधा, शतावर, सफेद मुसली, अमृता, आमल की, हरित की और शिलाजीत। आपको कहते हैं सात लोगों का ऐश्वर्य पाना है तो इस सात चीजों का सेवन करो। अश्वगंधा, शतावर, सफेद मुसली हम पूरे देश को उपलब्ध कराते हैं, किलोई तो हमने पूरे देश में खूब बांटी, खूब बढ़ाया लगाया उसको, आंवला और हरित की भी सबको मिलती है, हरित की कई तरह से प्रयोग किए जाते हैं, लेकिन सामान्य प्रयोग एक से दो ग्राम हरित की चूर्ण खाने के बाद सभी ले सकते हैं। हरड़ का मुरब्बा भी हम देते हैं, तो प्राणायाम नियमित करें। और आयुर्वेद में जैसे ऋषियों ने रसायन बताए हैं इनका सेवन करें। सदा प्रसन्न रहे, सदा संतुष्ट रहे, एक कण भी गलत आहार का हमारे शरीर में नहीं जाना चाहिए, उससे हमारा स्ट्रक्चर गड़बड़ होता है। एक क्षण भी गलत विचार मन में नहीं आना चाहिए, उससे हमारा करेक्टर नहीं तो गड़बड़ हो जाता है। एक दिन भी बिना व्यायाम के नहीं, आहार, विचार, व्यायाम और संतुलित सात्विक वैज्ञानिक जीवन पद्धति, छह घंटा सोना, समय से खाना, समय से जागना,
समय से हर कार्य को करना, डिसिप्लिन लाइफ मैनेजमेंट हमारा अच्छा होना चाहिए। ये अच्छा होगा तो फिर अपने आप एक जैविक घड़ी है, उसके अकॉर्डिंग सारी चीजें होंगी। जैविक घड़ी जो जिस सेल का जितना एक टर्नओवर टाइम है, उसके अकॉर्डिंग सारी चीजें चलती रहेंगी। और हम सो नहीं सवा सो और कोई बहुत अधिक ध्यान रखे, प्राकृतिक जो विकृतियां आ रही हैं इन्वायरमेंट में, पोल्यूशन है, एडल्टेशन है चारों ओर, जहरीले विचार, जहरीला आहार, जहरीली हवाएं, जहरीले पूरे इस वातावरण से जितना अपने आप को कोई बचा ले तो वो उतने अधिक जी सकता है। महर्षि दयानंद ने तो यहाँ तक कहा है कि 400 साल तक की भी व्यक्ति आयु प्राप्त कर सकता है। च्यवन ऋषि के बारे में यही तो आता है कि उन्होंने च्यवनप्राश खाया था, ये अष्टवर्ग और उसमें बाकी 50 से अधिक औषधियां हैं। ऐसी छोटे छोटे प्रयोग है खान पान में, अंकुरित खाना, उपवास करना, अंकुरित खाना, जितने भी संतरा है, मौसमी है, जितने भी बेरीज है, ब्लैक बेरीज है, ये सब खट्टे फल जिसको कहते हैं, ये सब एंटी एजिंग होते हैं। पानी का सही मात्रा में उपयोग करना और सदा सहजता प्रसन्नता में रहना, जैसी छोटी छोटी बातों का ध्यान रखते हैं उनकी आयु लंबी होती है। संतुष्ट सततम योगी, संतुष्ट रहना चाहिए योगी को। हाँ, ये बहुत जरूरी है। जो सदा संतुष्ट रहते हैं, भगवान के विधान में जिनकी पूरी निष्ठा है, प्रकृति के विधान में जिनकी पूरी निष्ठा है, नहीं कल्याण कृत कश्यत कतिम दाद गच्छति क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, शश्वत शांति में गच्छति कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्तः पुनस्यति इदं लदास्यसे त्वम् अग्निभद्रं करिष्यसि तेषाम् अहं समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेक्षति चेतसा मन्मना धर्मत् भक्तो मदीयाचे मां नमस्कृत्य मामेवेश्यसि सत्यन्ते प्रतिजानी प्रेमस्य। ऐसे भगवान की शरणागति में रहे, भगवान के अनुग्रह से, भगवान के आशीषों से सदा अभिषिक्त रहे। तपस्त्रिका कपाल भाति बाह्य प्राणायाम उज्जायी अनुलोम विलोम भ्रामरी उद्गीत प्राणायाम करना, सदा भगवान की शरणागति में रहना। जो ऐसे रहेंगे अपने आहार विचार वाणी व्यवहार स्वभाव पर पूर्ण नियंत्रण रखेंगे, वेदानुकूल योगानुकूल युगानुकूल आत्मा के अनुकूल जो आचरण करेंगे, इसको धर्म भी कहा है। श्रेयताम धर्म सर्वस्वम श्रुत्वा च धार्यताम आत्मन प्रतिकूलानि परेषां समाचरे, वो निरोगी रहेंगे, वो शतायु होंगे, वो दीर्घायु होंगे, उनमें सदा योग बन रहेगा।